सो हे एंड वेलकम बैक गाइस, एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्यूरेसी वाली सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है जिससे कि आपका एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मेन चीज होती है। अगर आप 10-12 घंटे दिन के अंदर गेम खेलो पर आपने गेम खेला फालतू में तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिले। और इसके अलावा अगर आपने गेम कम खेला 10-15 मिनट ही खेला पर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की तो आपका गेम प्ले बना रहेगा। और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है ये होती है मेन चीज। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपको किस टाइप का प्लेयर बनना है, कि आपको ज्यादा हेडशॉट्स कहाँ पे मारने हैं, फुल मैप के अंदर, सीएस के अंदर, लिमिटेड गेम के अंदर या फिर अनलिमिटेड गेम के, या फिर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हो, आपको हर चीज के अंदर अच्छा खेलना है तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड गेम के लिए। लिमिटेड गेम के अंदर फुल मैप और सीएस या फिर लिमिटेड कस्टम सब कुछ आ जाएगा। तो लिमिटेड गेम के अंदर मैंने जितना देखा, मतलब कि जितना मैं गेम खेलता हूं, जितना मैंने प्रैक्टिस किया, तो मुझे एक चीज लगी कि लिमिटेड गेम के अंदर हमारा एम अच्छे से नहीं हो, मतलब कि जैसे हमने एक बंदे के ऊपर फायर किया उसके बाद गन स्विच किया या फिर रिलोड किया तो हमारा एम ऊपर चला जाता है और दोबारा से अपने एम को उस एनिमी के ऊपर जाने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगा। फिर हमने एक बंदे को हेडशॉट मार दिया, अब दूसरे बंदे को हेडशॉट मारना है पर हम अपने एम को ले जाने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं जिससे कि एनिमी या तो भाग जाएगा या फिर वो हमें वन टाइम। तो लिमिटेड गेम के अंदर ऐसा होता है कि हम एम अच्छे से नहीं कर पाते और फुल मैप के अंदर भी ऐसा होता है, तो आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप इन पुतलों के सामने भी कर सकते हो और ये जो नए सिस्टम, जो भी सिस्टम लगा दिया फ्री फायर ने इधर, यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने प्रैक्टिस करनी है एम की, जैसे कि आपने एक बार फायर किया तो उसके बाद आप जल्दी से दोबारा एनिमी के ऊपर एम कर पाओ, आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आपने आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और यहाँ पे आके आपने हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस कर। ट्रेनिंग ग्राउंड पूरा लिमिटेड गेम की तरह होता है क्योंकि एनिमीज के पास ज्यादा ग्लूवर नहीं होते, तो आपको एनिमी सामने सामने दिखेंगे, बस आपने उनको हेडशॉट मारना। और हेडशॉट मारने के लिए आपने एनिमी को तब टारगेट करना है जब वो इजी जगह पे होगा, जैसे वो फायरिंग कर रहा होगा या फिर भाग के आ रहा होगा या फिर आपने सेकंड फायर करवाना है, मतलब कि उसे फर्स्ट फायर करने देना है, आपने सेकंड फायर करना है तब उसे हेडशॉट मारना है। और इस चीज की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जब आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर 2-3 दिन तक इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि हर एनिमी हेडशॉट मारने के लिए खुद ही मौका देता है पर हम ही हेडशॉट नहीं मारते। उसके बाद फिर आपने आ जाना है गेम के अंदर। गेम के अंदर आप फुल मैप भी खेल सकते हो, सीएस भी खेल सकते हो और फिर आपने खेलना है पूरी समझ के साथ और आपने फालतू जगह पे हेडशॉट मारने का ट्राई ही नहीं करना है। एनिमी खुद मौका देगा, आपने तभी उसे हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। यहाँ पे एनिमी एकदम से मेरे सामने आया तो मैंने इसे हेडशॉट मारने का ट्राई किया, नहीं लगा, मैं यहाँ से भाग आया, तो मैं यहाँ से भाग के इस पेड़ के पीछे आ गया और एनिमी फिर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ को आया, लेफ्ट साइड राइट साइड को भाग रहा था, हेडशॉट नहीं लगा, फिर जैसे सीधा भागने लगा इजी पीजी हेडशॉट कनेक्ट हो। यहाँ पे मैंने सेकंड फायर ट्रिक का यूज किया, एनिमी फायरिंग कर रहा था, मैंने इसे हेडशॉट मार दिया वन टैप हेडशॉट और आपको पता भी नहीं चला होगा कि यहाँ पे मैंने वेट करके, और अगर मैं इस क्लिप को सीधा सीधा चला दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने वेट किया था। इस चीज को बोलते हैं मास्टर करना, किसी भी चीज को मास्टर करना। ये जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है वो फर्स्ट सेकंड फायर ट्रिक का इस तरीके से यूज करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि भाई इन्होंने किया क्या, हमें तो सिर्फ दिखता है हेडशॉट, हमें और कुछ नहीं। और मैक्सिमम प्लेयर्स हेडशॉट मारने के लिए तुक्का लगाते हैं और जो टॉप लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो दिमाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो खड़े बंदे को मैंने हेडशॉट मार दिया, उसके बाद इसका टीममेट आया और टीममेट ने मेरे ऊपर फायरिंग की और मैंने इसे हेडशॉट मारा। जब आप समझ के खेलोगे ना गेम को अच्छे से समझ के, तब आपके हेडशॉट लगेंगे और बहुत ज्यादा हेडशॉट। और सीएस के अंदर भी ऐसा ही करना होता है और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा एम जब हम स्विच करते हैं मार के तो हमारा एम भटक जाता है और एनिमी के ऊपर दोबारा एम करने में टाइम लग जाता है, तो उसकी जगह पे आप स्विच मत किया करो। जैसे मैंने इन क्लिप्स के अंदर स्विच ही नहीं किया, मैंने ऐसे फायर किया और फिर से मैंने 2-3 बार फायर करके हेडशॉट भी मारा। यहाँ पे मैंने हेडशॉट मारा, एनिमी फायरिंग कर रहा था, इजी पीजी हेडशॉट कनेक्ट हो गया। लिमिटेड गेम बस यही है, आपको थोड़ा समझ के साथ खेलना पड़ेगा। आप किसी भी पीसी प्लेयर का गेम प्ले देख लेना जो कि सीएस के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट मारते हैं, 1v4 करते हैं, आप उनकी वीडियोस में देख लेना, वो भी इसी टाइम पे हेडशॉट मारते हैं, चलते फिरते या फिर ऐसे उठते बैठते किसी का भी हेडशॉट नहीं लगता है, चाहे वो पीसी प्लेयर हो या फिर कोई मोबाइल प्लेयर हो, अच्छा डिवाइस वाला या फिर लो एंड डिवाइस वाला, हेडशॉट तभी लगेगा जब लगना हो। जो गेम का मैकेनिज्म है उसके हिसाब से ही ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। कई बार ऐसे तुक्का लग जाता है कि उल्टा सीधा हेडशॉट लग रहा है। अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है लिमिटेड गेम के अंदर तो इन टिप्स एंड ट्रिक का यूज करो और अपने इस ट्रिक को इस तरीके से मास्टर कर लो कि किसी को पता ही ना चले। अगर मैं बात करूं कस्टम्स की तो कस्टम्स के अंदर एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल से टिप्स हैं। अब एक बात ये भी है कि प्लेयर्स किसी भी टिप का अच्छे से यूज नहीं करते, उनको नए नए टिप चाहिए, वो चाहते हैं कि कुछ नया बता भाई, कुछ नया नया बता, कुछ जो कि इजी हो। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो सिंपल सी चीजें होते हैं ना आप उनके ऊपर फोकस किया करो, आपका गेम प्ले ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा अनलिमिटेड। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं, अगर आप इनको सही से यूज करोगे ना तो आपके अनलिमिटेड गेम के अंदर बहुत सारे हेडशॉट लगेंगे। पहला पॉइंट है कि आपने ओवर मूवमेंट नहीं करनी है, फालतू की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है और एनिमी के ऊपर आपने फोकस रखना है कि वो कहां पे है और एनिमी के हिसाब से ही आपने अपनी नेक्स्ट चाल चलनी है। और दूसरी चीज है कि तीसरा पॉइंट है कि आपने हेडशॉट मारने के लिए जब एम करना है ना तो फ्रेम के अंदर आपने एनिमी को बीच में, जैसे एनिमी आपके सामने आएगा
तो आपने उसे फ्रेम के बीचों बीच लेना है और फिर अपने हेड की साइड को ड्रैग करना। सिर्फ इतना सा काम होता है, पर प्लेयर्स के हेडशॉट्स नहीं लगते हैं अनलिमिटेड गेम के अंदर, क्योंकि वो ज्यादातर लिमिटेड गेम ही खेलते हैं और उसके बाद जब अनलिमिटेड खेलने जाते हैं तो उनके हेडशॉट नहीं लगते। एक हफ्ते के बाद कस्टम मिलता है और वो पूरा हफ्ता खेलते हैं लिमिटेड गेम, उसके बाद एक हफ्ते के बाद अनलिमिटेड गेम खेलते हैं और फिर उनके हेडशॉट नहीं लगते, तो वो सोचते हैं कि किसी चीज की कमी है। कमी होती है सिर्फ हैंडसेट की, क्योंकि आपने अनलिमिटेड गेम खेली नहीं। आप सीधा खेलने जाओगे तो हेडशॉट नहीं लगेंगे। तो आपने प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? आपने प्रैक्टिस करनी है क्राफ्ट लैंड। अगर आपके पास कस्टम्स नहीं होते हैं तो आप क्राफ्ट लैंड खेला करो, वहां पे प्रैक्टिस करते रहा करो, उसके बाद आपका कस्टम का गेम प्ले बना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टिप्स है मैंने आपको उन सब के बारे में बता दिया, आप इन्हीं को फॉलो। अगर मैं घुमा फिरा के बताना चाहूँ तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको घुमा फिरा के बहुत कुछ। ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको टिप बताई आप इन्हीं को फॉलो करो, उसके बाद आपका हर गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा हो। फिर जब आप गेम को फिनिश करके फोन को साइड में रख के उठोगे ना, तो फिर आप ये क्या करोगे,